Hey, this is your friend ship sailor Salim. My passion is sea sailing and ships. Please watch my videos and also subscribe my YouTube channel. Hello guys, welcome back to my YouTube channel ship sailor Salim. तो guys कैसे हैं आप लोग? I hope सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे. तो guys वीडियो का thumbnail देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं. तो guys आज का हमारा टॉपिक है oil rig ranks and salary. तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है, अप्रॉक्स 9 to 10 months हो चुके हैं उस वीडियो को. तो मैंने उस पर बनाया था ऑयल रिग कैसे ज्वाइन करें, हाउ टू ज्वाइन ऑयल रिग्स, क्या प्रोसेस है, क्या कोर्सेज होते हैं, कहाँ से आप कोर्सेज कर सकते हैं, एंड ऑयल रिग की कौन सी बेस्ट अच्छी कंपनीज है उसके बारे में बताया था. तो उस वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट मिला था, बहुत सारे अच्छा व्यू आए थे उसके, बहुत अच्छे रिव्यू आए थे उस वीडियो के. एंड उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि मतलब सर आप बताइए ऑयल रिग में रैंक एंड सैलरी क्या होती है. एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे लोगों ने मैसेज करके पूछा था कि इस पर वीडियो बनाइए. तो अभी तक तो मैं शिप पर था तो मुझे वहाँ इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं ये सारी वीडियो बना सकूँ वहाँ पे. सो अभी मेरा साइन ऑफ हो चुका है एंड मैं अभी घर पे हूँ. तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं. अभी मैं घर पे हूँ, फ्री हूँ, तो मैं जितनी वीडियोस बना पाऊंगा आपको अब डेली वीडियोस मिलती रहेंगी. मतलब डेली नहीं, बट आपको वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेंगी एंड लाइव सेशन भी करूंगा मैं बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ फ्रेंड्स कि जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है ऑयल रिग की सैलरी एंड रैंक्स बताने वाला हूँ. तो ये मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि 100% आपको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि आपको पता है मैं मर्चेंट नेवी में हूँ, मैं शिप पर जॉब करता हूँ, मैं ऑयल रिग पे जॉब नहीं करता हूँ. बट फिर भी मैंने सारी डिटेल्स निकाली, बहुत जगह देखा, बहुत कुछ पढ़ा देखा, सब कुछ सबका कंक्लूजन निकालने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई है. तो अप्रोक्सीमेट जो मैंने सैलरी बताई है वो अप्रोक्स वही होती है, बट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है. एंड मेन चीज में जो आपकी सैलरी मैंने बताई है ये सब कुछ आपकी US डॉलर में है एंड आपका ईयरली है. मीन्स आपकी जो मैंने सैलरी बताई है वो पर ईयर बताई है, तो ये मंथली सैलरी मैंने नहीं बताई है. क्योंकि आपको पता है ऑयल रिग का कॉन्ट्रैक्ट 6 months या 9 months का नहीं होता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 year, 2 year, 3 year, 5 years या परमानेंट ऐसा होता है. बस आपको उसमें जो ऑन ऑफ होता है वो डिफरेंट होता है, 1 month ऑफ, 1 month ऑफ, 1 month ऑन ऐसा होता है, या फिर 3 month ऑन, 1 month ऑफ ऐसा होता है, कहीं कहीं 45 days ऑन, 45 days ऑफ ऐसा होता है. तो आपको सैलरी उसमें आपको पूरी मिलती है. तो मैंने इसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है रैंक्स एंड सैलरी को, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ. तो वीडियो को पूरा देखिएगा. और आज आप मेरा सेटअप देख रहे होंगे, कुछ अलग मैं कर रहा हूँ घर पे आके, तो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं जो हमारी ऑयल रिग की रैंक्स एंड सैलरी है. तो जो सैलरी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी सैलरी आपकी US डॉलर में रहेगी और सारी सैलरी आपकी जो है पर ईयर के अकॉर्डिंग रहेगी. तो जो हमारी पहली रैंक है वो आती है रोस्ट अबाउट, जिसकी सैलरी होती है $30,000 टू $35,000 पर ईयर. एंड नेक्स्ट रैंक जो हमारी आती है वो है आपकी मोटरमैन, जिसकी सैलरी होती है $50,000 टू $55,000 US डॉलर पर ईयर. उसके बाद जो हमारी रैंक आती है वो होती है गाइस डेरिक हैंड की, जिसकी सैलरी होती है $45,000 टू $50,000 पर ईयर. तो ये हमारी सारी सैलरी है. उसके बाद जो रैंक आती है वो होती है हमारी टूल पुशर की, जिसकी सैलरी होती है $85,000 टू $90,000 पर ईयर. उसके बाद गाइस हमारे पास जो आते हैं वो होते हैं इंजीनियर्स, उनकी रैंक क्या क्या होती है, उनकी सैलरी क्या होती है ऑयल रिग में वो बताता हूँ. तो इंजीनियर्स में जो जिनके पास जिन्होंने बीटेक किया है वो वाले रैंक हैं इसमें. तो जो पहला आता है वो होता है पेट्रोलियम इंजीनियर, जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है $1.35 लाख टू $1.45 लाख डॉलर पर ईयर. उसके बाद हमारी रैंक आती है मैकेनिकल इंजीनियर की, जिसकी सैलरी होती है $80,000 टू $90,000 पर ईयर. नेक्स्ट जो हमारी रैंक आती है वो होती है आपकी मरीन नवल इंजीनियर, तो इसकी सैलरी होती है आपकी $85,000 टू $1 लाख डॉलर पर ईयर. एंड नेक्स्ट जो आपकी हमारी सैलरी आती है रैंक आती है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की, जिसकी सैलरी होती है $90,000 टू $1 लाख डॉलर पर ईयर. एंड नेक्स्ट जो हमारी इंजीनियर रैंक आती है वो होती है इन्वायरमेंटल इंजीनियर, जिसकी सैलरी होती है $80,000 टू $90,000 पर ईयर. अब हम बात करेंगे गाइस इसमें एक नया कैटेगरी है जो हम बोलते हैं ट्रेड एंड टेक्नीशियन. तो इसमें क्या क्या रैंक होती है, क्या क्या सैलरी होती है वो मैं आपको बताता हूँ. तो जो इसमें पहली रैंक आती है वो आपकी आती है गाइस हैवी ट्रक ड्राइवर,
जिसकी सैलरी होती है आपकी $35,000 टू $45,000 पर ईयर। उसके बाद जो हमारी आपकी नेक्स्ट रैंक आती है गाइज, वो होती है अंडर वाटर वेल्डर, जिसकी सैलरी होती है $45,000 टू $55,000 पर ईयर। उसके बाद जो हमारी रैंक आती है गाइज नेक्स्ट, वो होती है हैवी मशीनरी ऑपरेटर, तो इसकी जो सैलरी होती है वो होती है $35,000 टू $45,000 पर ईयर। नेक्स्ट रैंक हमारी आती है वो होती है क्रेन ऑपरेटर, जिसकी सैलरी है $50,000 टू $60,000 पर ईयर। उसके बाद नेक्स्ट रैंक हमारी आती है पाइप लेयर की, तो पाइप लेयर की जो सैलरी है वो होती है $35,000 टू $45,000 पर ईयर। एंड इसके बाद जो हमारी रैंक आती है वो होती है आपकी इलेक्ट्रीशियन की, तो उसकी सैलरी है $50,000 टू $60,000 पर ईयर। एंड नेक्स्ट रैंक जो हमारी आती है वो होती है रिगर, तो रिगर की जो सैलरी होती है वो होती है $40,000 टू $50,000 पर ईयर। एंड इसके बाद जो हमारी रैंक आती है वो होती है मैकेनिस्ट, तो इसकी जो हमारी सैलरी होती है वो होती है आपकी $35,000 टू $45,000 पर ईयर। तो गाइज ये सारी सैलरी होती है हमारी सैलरी है। उसके बाद गाइज अगर जो लोग मर्चेंट नेवी से ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनकी भी सैलरी उनको सेम रहेगी, उनका काम सेम रहेगा, थोड़ी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इस पे रिस्क ज्यादा होता है। तो गाइज आई होप आप लोग समझ गए होंगे, मैंने जितना भी आपको इसमें रैंक्स बताई, सैलरी बताई, तो आई होप मैंने अच्छी वीडियो बनाई है जिसमें आपको सब कुछ डिटेल में मिल गया होगा, क्योंकि जो कुछ इसमें सैलरी है रैंक है वो सारी यही है और कुछ नहीं होता है। और जैसे कि मैंने लास्ट में दिया है कि अगर आप जो कोई मर्चेंट नेवी से अगर ऑयल रिग ज्वाइन करना चाहता है, अगर वो शिप पे जॉब कर रहा है और उसके बाद वो ऑयल रिग में आना चाहता है, तो उसकी जो भी रैंक है आपको उसी रैंक का काम वहाँ पे करना होगा और आपको सैलरी भी वही मिलेगी। बस आपकी सैलरी क्या है, थोड़ा ज़्यादा हो सकती है 10-20%, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है अकॉर्डिंग टू शिपिंग। तो शिप पे आप रहते हो वहाँ से ज़्यादा रिस्क आपको ऑयल रिग्स एंड गैस रिग्स में होता है, इसलिए वहाँ पे आपको सैलरी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो गाइस आप ये देख करके मत आइए कि आपको ऑयल रिग में सैलरी ज़्यादा मिल रही है या जो भी है, क्योंकि ऑयल रिग पे उतना ही रिस्क है और शिपिंग लाइन में थोड़ा कम है। शिपिंग लाइन में भी है रिस्क बट ऑयल रिग में ज़्यादा है, सो मोर रिस्क मोर मनी ऐसा ही है। तो सिर्फ पैसा देख कर मत आइए, रिस्क भी बहुत होता है ऑयल रिग में, वहाँ पे आपका बहुत सारे मतलब ऑयल ड्रिलिंग होती है एंड वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही बेकार होता है, उससे बहुत सारे मतलब आपको डिजीज होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए ऑयल रिग इतना भी अच्छा नहीं है। तो ये सारी डिटेल्स थी, मुझे जो भी पता था मैंने बता दिया आपको, एंड आपको और भी कुछ डाउट होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड तो बस वीडियो में इतना ही था, एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट करके बताना कैसी है और ये मेरा सेटअप कैसा लग रहा है इसका वो ज़रूर बताइएगा, अगर इसमें कुछ और चेंजेस करना हो तो, और कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को सब जगह शेयर कर दीजिएगा। एंड जो पहली बार है मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड बाकी सब ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे होम स्टे सेफ।